तो फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कंप्लीट कर लिया है और पहला हफ्ता फिल्म के लिए बहुत ही शानदार रहा और फिल्म जवान का सफर बहुत ही बेहतरीन रहा और फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर जो जबरदस्त कलेक्शन की है आप शायद यकीन नहीं करेंगे। अपने पहले 7 दिनों में ये फिल्म बॉलीवुड की और साउथ की तमाम बड़े फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है। RRR हो या फिर KGF चैप्टर 2 हो या फिर पठान हो या फिर गदर 2 हो, हर किसी फिल्म को ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है और जवान फिल्म से अब सिर्फ एक फिल्म आगे चल रही है, वो है प्रभास की फिल्म बाहुबली 2। और हमें लग रहा है जिस स्पीड के साथ जवान फिल्म आगे बढ़ रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है और बाहुबली को भी बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाली है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जवान फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 1500 करोड़ से भी ज्यादा का जाने वाला है। लेकिन दोस्तों फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार यानी 7 सितंबर को जवान फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 8वां दिन चल रहा है। लेकिन दोस्तों 8वें दिन भी ये फिल्म इतिहास रच रही है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवान फिल्म अपने पहले 7 दिनों में इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड कितनी कमाई करने में कामयाब रही और आज अपने 8वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। तो बस आज आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम बात करें फिल्म जवान की तो अपने पहले 7 दिनों में फिल्म का जो कलेक्शन रहा वो काबिले तारीफ है और आज 8वें दिन एक बार फिर से ये फिल्म इतिहास रच रही है। आपको बता दें कि अटली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका बजट 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण अहम किरदार में नजर आए थे। तो वही फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 स्टेशनों पर रिलीज किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अगर हम बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जवान की ओपनिंग थी 74.50 लाख रुपए इंडिया से तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में। तो अभी वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन पहले दिन का 89.60 करोड़ रुपए था और ओवरसीज से फिल्म ने कमाए थे 40 करोड़ रुपए और फिलहाल पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन जापान फिल्म में 129.60 करोड़ रुपए कमाई कर ली थी और दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 53.23 करोड़ रुपए और तीसरे दिन फिल्म ने कमाई थी 77.83 करोड़ रुपए और चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 81.10 करोड़ रुपए और पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 32.92 करोड़ रुपए और छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था पूरे इंडिया से तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में 26 करोड़ रुपए का। तो फिल्म का जो 6 दिनों का ऑफिशियली टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हो चुका था इंडिया के अंदर 345.08 करोड़ रुपए। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 415 करोड़ रुपए हो चुका था और ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 206 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म अपने पहले 6 दिनों में 621 करोड़ रुपए कर चुकी थी और 7वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 23.50 लाख रुपए। और अगर हम बात करें 8वें दिन के यानी आज के दिन की, आज भी ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में लगभग 20 करोड़ रुपए कमा रही है। आज भी अब 20 करोड़ रुपए कमा रही है अपने 8वें दिन जवान फिल्म और जवान फिल्म का 8 दिनों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 389 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ रुपए कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 700 करोड़ रुपए आज पार हो जाएंगे जापान फिल्म के 8 दिनों में। 8 दिनों में इंडिया के अंदर 389 करोड़ रुपए और पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ रुपए। जाते थे वीडियो के प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।